हेलो स्टूडेंट्स, सुपर सिक्स की एजुकेशन हब पे मैं जितना श्रीवास्तव आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कराने आई हूँ और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। फ्रॉम 2015 टिल 2017 मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं एंड ऑलमोस्ट मैंने सब में सारे एग्जाम्स क्रैक भी किए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं यहाँ पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को शेयर करने आई हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के बारे में। ये मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बैंकिंग में और एसएससी में एक्चुअली दोनों ही आपको काम आएंगे, बट ये मोर जो इसका फोकस है वो ज़्यादा तरफ बैंकिंग की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम आज ये क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो आज अभी हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, कुछ 11 टॉपिक्स हैं लगभग। तो ये एक ऑर्डर वाइज मैंने लिखे हैं कि किसका कितना इम्पोर्टेंस है या किस पर कितना फोकस करना है, कुछ कुछ मैंने उस तरह से लिखे हैं। तो ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ये हमने उस बेसिस पे लिखा है जो अभी IBPS ने अपने 2018 का जब नोटिफिकेशन रिलीज किया था तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और उनका कुछ उन्होंने वो भी किया हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी किया है थोड़े से। तो ये उसी के बेसिस पे हम सबसे पहले हम आते हैं सीरीज पे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है सीरीज, सीरीज बेसिकली ये आप तो इसे न्यूमेरिकल सीरीज भी कह सकते हैं, इसमें आपका अल्फाबेटिकल सीरीज भी आता है, आपका अल्फा न्यूमेरिक भी आता है एंड इवन सिंबल्स भी यूज होते हैं। तो इसी बारे में और डिटेल में जानेंगे आगे इन कमिंग वीडियोस। अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको हर टॉपिक का ताकि आप प्रिपेयर कर लो अपना माइंड। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स तक आ जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली ये नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। लाइक मैंने कोई कोड बनाया, ठीक है, मैंने बताया कि ए जो है वो प्लस का सिंबल है, ठीक है, तो उसको डिकोड करना है आपको, मतलब मैं एक तरफ लिख के दूंगी बस उसी को ही डिकोड करना है, तो इट्स टाइप ऑफ दैट। फिर इसके मार्क्स अभी मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, फिर ये आता है नहीं आता है ये उस पर है, इसका कोई फेस्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ब्लड रिलेशन क्या है। ठीक है, ब्लड रिलेशन ऐसे कि फैमिली में जो हमारे रिलेशन होते हैं, हमारे क्लोज रिलेशन हैं, हमारे फार रिलेशन, बट फैमिली में ये उसी में ही है, लाइक फादर मदर ब्रदर सिस्टर डॉटर सन एंड इसके अलावा इन लॉज और भी उसके आगे, मतलब सब बट विद इन अ फैमिली ओनली। ठीक, एक बिग फैमिली जो होती है। तो ये हो गया, ये 2 मार्क्स तक आ जाता है। उसके बाद इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप देख सकते हो जो भी टू से ऊपर लिखा है वो ऑल मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इनइक्वालिटीज हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस तो ठीक है, बट पजल सीटिंग अरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन मशीन। ये मशीन लिखा है, मशीन का शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है NYSE, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट हम ऑर्डर से भी जानते हैं। तो इनइक्वालिटीज इज दैट जो आपका होता है जैसे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, बस उसी में ही ऊपर नीचे खेलने टाइप्स, ये इनइक्वालिटीज है। उसके बाद सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म वैसे तो बहुत ही ईजी टॉपिक है बट इसका अगर आप कंसेप्ट समझ रहा हो तो आपको ज़्यादा मतलब आगे बहुत ही आसान लगेगा, नहीं तो अदरवाइज देख के तो बहुत टफ लगेगा और कुछ लोगों को देख के बहुत ईजी लग सकता है, दोनों चीज़ें हैं बट ये उनके बिटवीन है। तो सिलॉगिज्म पे मैं आपको बताती हूँ, लाइक ऐसे हमारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे ऑल एप्पल आर बनानास देन फ्यू बनानास आर ऑरेंजेस। तो लाइक ये जो है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो सिलॉगिज्म हो गया। देन डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस तो नाम से भी आप समझ जाओगे कि लाइक हम ये सिचुएशन में कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो करंट एक सिचुएशन में है, वो वहाँ से यहाँ गया, ईस्ट गया, साउथ गया, वेस्ट गया, फिर वो वहाँ से भी पहुँचा ना, इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस बताओ या ये बताओ कि वो कौन से डायरेक्शन में, तो इट्स लाइक दैट ओनली। थोड़ा सा ट्विस्ट आता है इसमें बस कि डायरेक्शन समझना पड़ता है बट अदरवाइज ये तो आपका डे टू डे लाइफ में इट इज़ वेरी ईजी।
तो इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है। ये एक्चुअली वो अलग अलग टॉपिक है बट मैंने इनको एक ही में लिखा है बिकॉज ये काइंड ऑफ सेम ही है। सीटिंग अरेंजमेंट भी एक तरह का पजल ही होता है हमारा। तो नाम से भी आप समझ रहे हो उसको ये क्या है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट मीन्स मैंने बताया कि 5 लोग यहाँ पे हैं और वो सर्कुलर मतलब टेबल पर बैठे हैं या वो एक लीनियर वे में बैठे हैं। ठीक है, उनका फेस इस तरफ है फिर आपको बताना है कौन किसके ओर पे है कौन कैसे है किसकी क्या पोजीशन है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये एकदम क्लियर है अपने नाम से। नाउ पजल, पजल कब आ गया है इसमें जब मैंने और सिचुएशंस आपको दे दी। मैंने बताया कि हमारे पास दो लोग हैं नहीं तीन लोग हैं, हम तीन की सिचुएशंस लेते हैं कि हमारे पास तीन लोग हैं उसमें से किसी को रेड पसंद है किसी को ब्लू पसंद है किसी को ब्लैक पसंद है और जो ब्लैक जिसको पसंद है वो यहाँ बैठा है वहाँ बैठा है, मतलब एक मेकआउट करना कि कौन कहाँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें फर्दर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे तो वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद आता है डाटा सफिशिएंसी। इसके नाम से आप समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दिए हैं और फिर मैंने आपसे नीचे उनके रिस्पेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें आपको मतलब आंसर नहीं बताना है बट आपको इसमें ये बताना है कि जो मैंने डाटा दिया है क्या वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए या नहीं है। बट ये वैसे तो बहुत सिंपल सा लग रहा है कि सिर्फ इतना बताना है कि सफिशिएंट है या नहीं है बट फॉर दैट आपको आंसर निकालना ही आना चाहिए। इन शॉर्ट ये आपसे आंसर नहीं पूछ रहा है बट फिर भी मेहनत आपके साथ ले रहा हूँ। तो और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इस टॉपिक से या उस टॉपिक से, ये ऑल ओवर रीजनिंग किसी भी टॉपिक से आ सकता है किसी भी पोर्शन से आ सकता है कि सीरीज बोल दिया कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन इनइक्वालिटीज मतलब सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसलिए इसका भी अनसर्टेन है कि कितने भी मार्क्स का आ सकता है, कभी ये 5 का आ सकता है कभी 2 का कभी 3 का, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया इसको। और फिर नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये क्या है, ये इंटायरली एक डिफरेंट ब्रांच है रीजनिंग की। ये जितना भी है ये सब रीजनिंग है बट इनमें एक पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो लॉजिकल रीजनिंग का भी हमें अनसर्टेन नहीं लिखा है, अनसर्टेन मतलब है यहाँ पे इसलिए क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का भी कुछ कन्फर्म नहीं है। कभी बहुत हो गया तो कभी 10 का भी आ सकता है, कभी 12 का भी आ सकता है, कभी कुछ का भी आ सकता है, कभी 2 का भी, कभी नहीं भी आ सकता। तो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ट। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, इनके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें हैं, जैसे आता है स्टेटमेंट, ठीक है, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक, उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे और टॉपिक्स हैं आगे मतलब देखेंगे, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं इसके अंदर में। तो ये एक्चुअली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ना इसमें कोई ट्रिक है ना कुछ, ये कुछ नहीं है, ये बहुत सोचने वाला है, इसको आपको अपने लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा। मतलब बाकी सब मैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो बट इसको ये हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, तो इसके लिए इसको साइड रखते हैं। नाउ नेक्स्ट है मशीन इनपुट आउटपुट, ये 5 मार्क्स का है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है मशीन इनपुट आउटपुट आपका। इसमें जैसे इनपुट आउटपुट आपको पता ही चल रहा है कि हमने कोई इनपुट आपको बताया कि ये इनपुट है, फिर मशीन में क्या करते हैं, मशीन में हम कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, ठीक है, कुछ इनपुट डालते हैं फिर मशीन में कुछ प्रोसेसिंग करते हैं फिर हमें उसके हिसाब से आउटपुट उसका मिलता है। तो ये बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग ही है कि हम आपको कुछ इनपुट देंगे फिर हम आपको बताएंगे कि उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ ऐसा हुआ, ये नंबर यहाँ गया ये वर्ड यहाँ गया, अब बताओ आउटपुट क्या है। सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट। नाउ मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्चुअली कुछ भी इसमें आ सकता है जैसे रैंकिंग ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे जो भी रीजनिंग रीजनिंग के बचे कुछ टॉपिक्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। रैंकिंग ऑर्डर थोड़ा कॉमन है क्योंकि वो आ जाता है आता भी है। तो वो जैसे कि मैं बताती थी कि हम स्कूल की एक क्लाइंट लग गया बच्चों की केयर करने वाली, तो मैंने बोला कि आगे से एक लड़की है वो 5th नंबर पर और पीछे से वही लड़की आ रही है 10th नंबर पर, तो बताओ टोटल कितने बच्चे हैं। तो ये हो गए एक रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 2 मार्क्स का 1-2 मार्क्स का आ जाता है। तो ओवरऑल ये मेन फोकस है हमारा इन 11 टॉपिक्स पे। 11 में से जो 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मतलब इसको और इसको छोड़ दो तो जितने भी 9 हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है।
क्यों मैंने इसको इसको तो हमने इसका एक्सपोज कर दिया, बिकॉज ये मैंने बता ही दिया कि ये मिसलेनियस है, आता भी नहीं गया, ठीक है। इसको हमने इसका एक्सपोज किया है बिकॉज ये क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं है ना, किसी भी चीज को सॉल्व करने का उनका एक अपना तरीका है, कोई किसी वे से कर रहा है, कोई किसी वे से कर रहा है, किसी ने दूसरा लॉजिक लगाया, किसी ने दूसरा लॉजिक लगाया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं पर पहुंचा, बट एक ही आंसर आया उनका, बट लॉजिक में वेरिएशन आ सकता है, ये हो सकता है, तो इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनसर्टेन है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये भी थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना है इसमें, टोटल प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा, तो इसलिए इसको भी हमने फिलहाल के लिए साइड रखा है। बाकी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, ये बहुत जरूरी है और ये एक्चुअली आपके हर एग्जाम में बहुत जरूरी है, बट मे बी इसका लेवल चेंज हो, बट ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ये सब में ही आता है और बहुत अच्छे मार्क्स में आता है, तब ऐसे नहीं एक नंबर आया दो नंबर आया, काफी मतलब बल्क में आता है ये, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या आपका कितने मार्क्स पे है, कितना वेटेज है सबका। अब हम ये बताते हैं आपको कि आप कैसे क्या करो, ठीक है, क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, इसकी बात करते हैं। तो आप देखो इसमें कि कभी भी मतलब इसको देखिए, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, पजल, मशीन बोला, ये जो फोर टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, हम इनकी अगर बात करते हैं स्पेशली, तो क्या है इस पे माइंड एक का लगना है, ठीक है। अभी जैसे एक पजल हमें मिला, हमें एक बार की मेहनत करनी है, वो जो भी दो तीन मिनट की लगेगी वो मेहनत करनी है, बट हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं, हमें 5 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक पजल से 5 आ जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए तो। लेकिन पूरा पजल सॉल्व किया हमने एक ही बार में, एफर्ट लगाया 2-3 मिनट्स का, और हमारा कितने मार्क्स आ गए, हमको 5 मार्क्स आ गए, जबकि वहीं पर अगर हम इसकी बात करें सीरीज की, तो हम एक सीरीज में 1 मिनट तो लग जाता है, लेकिन कितना मार्क्स आता है, 1 ही मिनट आता है, ठीक है, तो 1 ही मार्क्स आता है, सॉरी। फिर वही सेम चीज सिलोगिज्म के साथ है, इनइक्वालिटीज के साथ भी है, एंड मशीन इनपुट आउटपुट, तो ये तो बिल्कुल ही है कि आपको एक ही सॉल्व करना है इनपुट, उसी के बस अगर आउटपुट, इट इज वेरी मच सिमिलर टू पजल, तो इसमें भी उतना एक ही बार का एफर्ट है, बट 5 मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो इसलिए जो अभी हमारा मतलब एक और रहेगा, हम मतलब सारी चीजें देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे सारे टॉपिक से, बट जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जितने भी बल्क वाले टॉपिक्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 टॉपिक्स जो है इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, ये है, इसको अलग से करना है, पूरा जितना पढ़ लिया उसी पे क्वेश्चन आना है, तो ये तो ऑलमोस्ट डन ही समझो अगर सारा आ गया तो, बट इट इज डिपेंड, यू नो, मोर डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस, ये ज्यादातर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, नहीं आप सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हो, सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इसे बहुत आसानी से आप कर लोगे, तो इसलिए ये भी मतलब एक तरह से डन ही है, पढ़ना सारा है, पढ़ना सब है, प्रैक्टिस सबको करना है, बट जिस पे ज्यादा फोकस करना है उनमें ये टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो फिलहाल अभी हम आज इतना ही जानते हैं, जो मेन मेन हमारे पॉइंट्स हैं अपने आपको प्रिपेयर कर लो, फिर विद द टाइम हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एंड जो भी प्रॉब्लम होगी वी डिस्कस, तो फिर इसी के साथ बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।